देखिए गाइस, टेम्पू से पैसा वसूलते हैं भैया, छाता वाले भैया टेम्पू से पैसा वसूल रहे हैं। देखिए रंगदारी, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। पिछला वीडियो रात का वीडियो था, तो किसी भाई लोग ने कमेंट किया था कि भैया दिन का वीडियो दिखाइए, पटना मेट्रो का जो अपडेट है, घर भर टूटने वाला है उसका अपडेट। तो आपको बता देते हैं, ये पटना मेट्रो का फेज टू अपडेट है गाइज। अभी बारिश हो रहा है, बारिश में थोड़ा बाहर निकले थे तो सोचे वीडियो का अपडेट आप लोग को दे देते हैं, तो बारिश में ही निकले और बारिश में सोचे आप लोग को अपडेट थोड़ा दे देते हैं। तो फिलहाल अभी हम हैं पटना के मीठापुर बस स्टैंड में, और यहाँ पर बनेगा एक पटना का मेट्रो स्टेशन। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, जो आप गेट देख रहे हैं ना, ये मौलाना मजहूर हक का, ये गेट के पास से पटना मेट्रो का पिलर जो है वो रोड के उस साइड चला जाएगा और आगे बढ़िएगा। इससे तो पिलर आपको बना हुआ दिखेगा, वो जो सामने आप देख रहे हैं ये पिलर बनता हुआ उधर से आ रहा है, लेकिन यहाँ से पटना मेट्रो का पिलर रोड क्रॉस कर जाएगा। और रोड क्रॉस करेगा ना, और रोड क्रॉस करके रामकृष्णा नगर के साइड जाएगा, और इसलिए उधर का घर जो है वो पूरा तोड़ा जाएगा। अभी आपको दृश्य दिखाते हैं, यहाँ से पटना मेट्रो का पिलर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे पिलर बना हुआ है लास्ट पिलर, इसके बाद पिलर जो है वो इस साइड आ जाएगा जिस साइड हम अभी चल रहे हैं। और इस साइड आने के बाद ना, इन सब घर को बीच से तोड़ के और सीधा निकलेगा माँ कमला उत्सव हॉल के आगे, बिगरापुर के साइड निकलेगा। अभी आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा घर टूटेगा। ये देखिए, यहाँ से पिलर जो है वो इस साइड आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर डाइवर्सन का बोर्ड भी लगा दिया गया, थोड़ा काम वाम चल रहा है। और यहाँ पर आइएगा ना, यहाँ पर कबाड़ी वबाड़ी का दुकान है, और यहीं पर आपको दिखेगा घर टूटने का नज़ारा। देखिए, दिखना शुरू हो चुका है। देखिए, ये सब घर जो है सीधा ये उस तरफ जो है वो कमला उत्सव हॉल है, वो कमला उत्सव हॉल भी टूट जाएगा। ये भाई लोग का घर देखिए, ये लोग भी टूट रहा है। और ये जो यहाँ पे तीन चार घर आप देख रहे हैं ना, ये सारा घर जो है वो अभी टूटेगा। तो ये सब जो आप घर देख रहे हैं गाइज, ये सब मेरे लेफ्ट साइड, ये सब जो घर देख रहे हैं, ग्रीन वाला, पिंक वाला, ये सब जो आप घर देख रहे हैं, ये सब घर जो है वो टूट जाएगा। ये सब जो आप घर देख रहे हैं कॉर्नर पे सीमेंटेड घर, ये सब घर जो है ना, ये गाइज टूट जाएगा। और यहाँ से पटना मेट्रो का पिलर होते हुए सीधा रामकृष्णा नगर की तरफ चलाएगा। एक और वीडियो इसका बनाए थे, बट किसी भाई लोगों ने कमेंट किया था कि भाई वीडियो दिन में बनाइए, रात का वीडियो नहीं बनाइए, दिन का वीडियो बनाइए। तो दिन का वीडियो आया बनाने। ये कमला उत्सव हॉल है, पूरा लगन में ये सबसे ज़्यादा बुकिंग रहने वाला हॉल है, और ये हॉल को भी तोड़ दिया जाएगा। इसलिए देखिए, हॉल की भी जो बोर्ड वोर्ड है, जो डिज़ाइन है, सारा खुलने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसमें मॉल था, इसमें स्क्रैच माल की दुकान थी, ये दुकान भी खत्म हो चुका है गाइस। देखिए, सारा चीज़ खाली कर दिया गया है, क्योंकि सब घर जो है वो टूटेगा। आगे थोड़ा पूजा हो रहा है, इसलिए थोड़ा आवाज़ आ रहा है मेरे माइक में। ये देखिए, यहाँ पे भी बारकेडिंग कर दी गई है। ये सामने वाला घर देखिए पूरा टूटा हुआ है, तो सामने वाला घर आपको दिख रहा होगा टूटा हुआ, क्योंकि ये सारा घर जो है अभी टूटेगा। आगे बढ़िए गाइस बिगरापुर की तरफ, तो आपको पटना मेट्रो का बोर्ड दिखेगा, लेकिन वो बोर्ड वहीं तक बना हुआ है। ये जितना आप देख रहे हैं होटल शीतला और होटल नोबेल्टी ओयो देख रहे हैं ना गाइस, ये ओयो भी टूटेगा गाइस पटना मेट्रो के लिए। बिगरापुर के पास आ गए हैं गाइस, और बिगरापुर के पास पटना मेट्रो का काम जो है वो बंद हो चुका है, पिलर बनाने का काम बंद हो चुका है, क्योंकि आगे बहुत सारा घर को तोड़ना अभी बाकी है। देखिए, इस तरफ भी पूरा स्पेस है, ये सब नाली हुआ करता था, बट ये नाली को भर दिया गया है ताकि इस पर पिलर बनाया जा सके। बिगरापुर से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा ना गाइस, तो आपको यहाँ पे पिलर बना हुआ दिखेगा, और यहाँ के बाद पिलर बना हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जिधर उधर है ना, पूरा घर को तोड़ना बाकी है। और ये जो आप देख रहे हैं हाउस जॉनसन वगैरह, ये आम्रपाली हॉस्पिटल वगैरह, इन सब का भी नक्शा बिगड़ने वाला है गाइस, क्योंकि सब चीज़ को तोड़ा जाएगा पटना मेट्रो के निर्माण के लिए। देखिए, यहाँ पर लास्ट मेट्रो पटना का बना हुआ है, पटना मेट्रो का। और ये जो आप देख रहे हैं कोहलर का शोरूम, हाउस जॉनसन, आम्रपाली, 24x7 मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, इस पटना मेट्रो के पिलर के कारण जो है वो रुका होगा। यहाँ पे ना ही पिलर बना, ना ही स्लैब बना, और जब पिलर बनाने का काम होगा, ये सारा हॉस्पिटल देख रहे हैं ना सुंदर सुंदर, ये सारा हॉस्पिटल जो है वो टूट जाएगा। 90 नंबर पिलर बना हुआ है, 90 के आगे 91-92 पिलर जो है वो नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? रीज़न उसका यही है कि अभी पिलर बनने के लिए घर को तोड़ना बाकी है। लोगों को नोटिस दे दिया गया है कि अपना अपना घर खाली कर लीजिए, जैसे ही घर पूरा खाली हो जाएगा, घर पूरा तोड़ दिया जाएगा। और पूरा कमला उत्सव हॉल तो पूरा एरिया ले लगा होगा, क्योंकि वहाँ से जो है ना, वो पटना मेट्रो का जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, थोड़ा घुमा हुआ है, और ऐसे घूम के वो निकल जाएगा मीठापुर बस स्टैंड में, और वो जो मुस्लिम वाला कॉलेज है, मजलूल हक वाला कॉलेज है, वहाँ पे जाके ज्वाइंट हो जाएगा। और उसके बाद पटना मेट्रो अंडरग्राउंड है मीठापुर स्टेशन के बाद, मतलब मीठापुर से आगे बढ़ेगा निप कॉलेज की तरफ, जक्कनपुर थाना की तरफ, तो उधर पटना मेट्रो अंडरग्राउंड मिलेगा।
ये रामकृष्णा नगर पे अभी हम लोग आए हुए गाइस, ये रामकृष्णा नगर के एरिया आ गए। यहाँ पे भी पिलर आगे नहीं बना हुआ है, यहाँ पे भी लास्ट पिलर बना के छोड़ दिया गया है। और रामकृष्णा नगर में एक पटना मेट्रो का स्टेशन रहने वाला है, और रामकृष्णा नगर के बाद मीठापुर, और मीठापुर के बाद पटना जंक्शन, और रामकृष्णा नगर से आगे बढ़िएगा तो जगनपुरा में आपको एक पटना मेट्रो का स्टेशन दिखेगा। ये सब हालांकि फेज टू का काम है गाइज, ये फेज वन का काम नहीं है, फेज टू का काम है। और फेज वन जो है वो शुरू हो जाएगा 2025 के जुलाई में, और ये सब फेज वन का काम है। देखिए पिलर नंबर 73 है, यहाँ पे काम आके रुका हुआ है, इसके आगे पिलर नहीं बना हुआ है। हालांकि सरिया वरिया का काम किया गया है, लेकिन पिलर का काम जो है वो नहीं हुआ है। पिलर बनाने का काम जो है वो अभी होना बाकी है। देख रहे हैं इधर पूरा सरिया वरिया का काम हो चुका है, इसमें अभी कंक्रीट डाल के पिलर बनाने का काम जो है वो नहीं किया गया, बाकी सब चीज़ किया गया। ये देखिए ये कंक्रीट डाल के छोड़ दिया गया, अभी पिलर नहीं बनाया गया, इसमें पिलर बनाया जाएगा। और यहाँ पे वो सब हॉस्पिटल देख रहे हैं, वो सब तो बच जाएगा क्योंकि वो सब उसकी चौड़ाई में जो है वो नहीं आई है। हाँ तो गाइस कहाँ थे, पटना मेट्रो के अपडेट की तरफ थे। तो पटना मेट्रो का अपडेट हम कल भी दिए थे आप लोग को, लेकिन आप लोग को बोले थे कि वही अपडेट दोबारा दीजिए, कि रात का अपडेट दिए तो कुछ समझ में नहीं आया था, तो दिन का अपडेट दीजिए। तो देखिए मेरे उस साइड पटना मेट्रो का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, इस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा बन के रेडी है गाइस। देखिए पिलर नंबर तक दिखा चुका है, पिलर गटर स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर स्लैब हर चीज़ हो चुका है। और बिगरापुर के पास काम बंद हो गया है, काम बंद होने का रीज़न है क्योंकि बिगरापुर के आगे मीठापुर बस स्टैंड पे जो यू डिज़ाइन करके गोल करके जो पटना मेट्रो का जो आप स्टाइल देख रहे हैं, ढांचा देख रहे हैं, आगे जाके थोड़ा ऐसे मुड़ा हुआ है, और यही मुड़ा हुआ करके निकलेगा आपका मजरूल मोइनुल हक, क्या पता क्या नाम है, उस मुस्लिम कॉलेज के पास निकलेगा। इसलिए बहुत सारा घर को तोड़ना बाकी है, इसलिए पटना मेट्रो का काम यहाँ पे बंद हो गया पिलर नंबर 90 के पास। ये सब फेज टू का काम है गाइस, फेज वन का काम नहीं है। और तो यही था एक दिन वाला वीडियो आप लोग बोले थे। और ये जो आप घर देख रहे हैं, पारा मेडिकल हॉस्पिटल, अम्रपाली हॉस्पिटल, ओम फोर्ट हॉस्पिटल, चारों हॉस्पिटल टूटेगा गाइस। और आगे में जो ओयो है बिगरापुर के पास, ओयो भी टूटेगा गाइस। माँ कमला उत्सव हॉल जो हर लगन में सबसे ज़्यादा बुकिंग होता था, माँ कमला उत्सव हॉल भी टूटेगा गाइस। और बहुत सारा घर को भी तोड़ने का जो ऑर्डर है वो दे दिया गया, सब लोग अपना अपना सामान खाली कर रहे हैं। एक निश्चित समय दिया गया, अगर उन समय में सामान खाली नहीं हुआ तो फिर बुलडोजर चल जाएगा गाइज। तो आज के वीडियो में यही था गाइज, वीडियो यहीं पे होता है ख़त्म। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट कीजिए कि कहाँ का अपडेट चाहिए गाइज। बाय।